तो ये सारे कलर कोड हैं इसके, और इसमें गॉस के नंबर भी लिखे हुए हैं इसके बैक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनुला के बारे में, टाइप्स ऑफ कैनुला कितने होते हैं और कितने गॉस के होते हैं, किस एज ग्रुप में कौन सा यूज किया जाता है, ब्लड फ्लो रेट किसका कितने ml पर मिनट होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको चेक कराते हैं, ये चेक करें आप इतने सारे टाइप्स के कैनुला यूज किए जाते हैं और ये सब क्यों जरूरी हो जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आप एंट्रेंस दे रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, मेडिकल लाइन में चाहे आप कुछ भी हो, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, टेक्नीशियन हो, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है जानने के लिए कि कैनुला के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि कल को अगर आप जब भी कैनुलेशन वगैरह करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए उसकी वेन देखकर कि आपको कितने साइज का गॉज या फिर कैनुला कौन से कलर कोड का यूज़ करना है। सबसे मिनिमम जो कैनुला का गॉज साइज होता है वो 14 गॉज का होता है और सबसे जो मैक्सिमम होता है वो 26 गॉस का होता है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये सारे कलर कोड हैं इसके और इसमें गॉस के नंबर भी लिखे हुए हैं इसके बैक साइड पे एकदम। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे फिर हम इसे थ्योरेटिकली भी समझेंगे। तो जो आपका 14 गॉस है, आप समझिए जितने गॉस कम होते चले जाएंगे उसका उतना जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, ब्लड फ्लो रेट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और जितना जितना ज़्यादा गॉस होगा उतना उसका एरिया जो है वो कम होता चला जाएगा, उसकी जो नीडल का एरिया है, ठीक है, उतना ही ब्लड फ्लो रेट कम होता चला जाएगा। तो ये चेक करें आप, पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं येलो, ठीक है, इसका कलर कोड क्या है, येलो है। मैं मेंशन भी कर दूंगा टाइप करके जिससे आप लोग अच्छे से एकदम समझ सको। और साइज जो इसका है 24 गोज का इसका साइज है और जो डायमीटर है इसका वो 0.770 mm का है और जो लेंथ है नीडल की जो लेंथ होती है वो 19 mm की है और जो फ्लो रेट है इसका ब्लड का 20 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कलर कोड कौन सा है, ब्लू है और गोज इसका 22 है, डायमीटर 0.9, 25 mm इसकी लेंथ होगी, फ्लो रेट 33 ml पर मिनट, ठीक है। ऐसे अब पिंक आ जाता है, तो पिंक का जो गोज हो जाता है वो आपका 20 गोज हो जाता है और कलर इसका पिंक का डायमीटर 1.1 आ जाता है, ठीक है, इसका डायमीटर बढ़ गया है, लेंथ 32 mm हो गई, फ्लो रेट 54 ml पर मिनट हो गया। अब ग्रीन वाला देख लेते हैं, 18 गोज साइज है इसका और 1.3 डायमीटर है, 45 लेंथ है और 80 ml पर मिनट इसकी स्पीड है। ग्रे आ गया, ग्रे में आप देख सकते हो 16 गोज का है, 1.70 mm इसका डायमीटर है, 45 इसकी लेंथ है और 80 ml पर मिनट इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। अब जो रह जाते हैं हमारे वो कौन कौन से रह जाते हैं, दो बच गए आपके, एक ऑरेंज बच गया जो आपका 14 गॉस का होता है, एक आपका वॉयलेट बच गया जो आपका 26 गॉस का होता है। तो वो मैं आपको थ्योरेटिकली दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने स्पीड से चला सकते हैं आप, कितना डायमीटर होता है इस चार्ट में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज हमारा रह गया था 14 गॉस होता है और डायमीटर 2.1, लेंथ आपकी 45 mm की होती है, फ्लो रेट 270 ml पर मिनट। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लो रेट किसका होता है, ऑरेंज का होता है, ठीक है। इसके बाद वाइट रह गया था, वाइट देख सकते हो आप 17 गोज का होता है, जनरली वाइट आपको कम ही देखने को मिलेगा बट द थिंग इसका पता होना चाहिए, तो इसलिए इसका जो डायमीटर है 1.5 है, लेंथ 45 और 125 ml पर मिनट की स्पीड से इन्फ्यूजन दिया जा सकता है इससे, ठीक है। लास्ट आपका जो रह गया था वॉयलेट रह गया था, वॉयलेट आप देख सकते हो 26 गोज का होता है जिसकी वेन बहुत ही पतली हो जाती है, कम एज के जो लोग होते हैं जिनकी वेन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होती है उनमें लगाया जाता है, 0.60 mm इसका डायमीटर होता है, 19 mm इसकी लेंथ होती है और 19 ml पर मिनट से ही इससे इन्फ्यूजन दिया जा सकता है। तो ये था वीडियो में देखने के लिए, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो ना तो लाइक ज़रूर करके जाना, एम करते हैं इस पर 1000 लाइक का, और कमेंट भी जरूर ड्रॉप करके जाना अगर आपको ऐसी वीडियोस जो सबके लिए कॉमन होती है मेडिकल में वैसी और वीडियोस चाहिए, तो क्योंकि ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।